इलाके पर क्या चिकित्सक डॉक्टर अभय सिंह जुड़ रहे हैं। सर, लगातार जिस तरह बिहार भारत में नंबर वन पोजीशन पर चला गया डॉक्टरों की मौत के बारे में, आज डॉक्टर सावधानी कर बरतते हुए भी पॉजिटिव हो जा रहे हैं, ऐसे में आम जनता सर लगातार लापरवाही कर रही है, सर उसके लिए क्या संदेश है? देखिए, ये बीमारी किसी को छोड़ तो रहा नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो या चाहे आम जनता हो, सर नेता हो, सबको ये पकड़ रहा है। अब बिहार में तो आपको अभी जस्ट बताया मैंने कि 85 का आज का डाटा है अब तक, जो पूरे इंडिया में इतना किसी डॉक्टर का इतना ज़्यादा डेथ और किसी स्टेट में नहीं हुआ जो बिहार में हुआ। तो जब डॉक्टर को नहीं छोड़ा, जो कि ये सारे चीज़ प्रिकॉशन जानते हैं, तो आम जनता से तो यही अपील है कि कम से कम मास्क पहनिए, मास्क भी प्रॉपर ढंग से पहनिए, नाक भी ढका हो, बाहर निकलिए तो बेहतर है। अभी एक मैंने डबल मास्क पहन लीजिए, भीड़ में रहिए तो अगर मजबूरी में जाना भी पड़ गया भीड़ में तो डबल मास्क लगा करके ही जाइए, ताकि दूरी कोशिश कीजिए मेंटेन करें, और अति आवश्यक हो तभी घर से निकले। दूसरा कि आपको पहले भी मैंने कहा था कि एक मोबाइल नंबर मैंने 9431176528 किया है, किसी भी तरह का अगर कोरोना संबंधी जानकारी, इलाज या की तकलीफ़ के बारे में जानना हो तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट फ़ोन करके हमसे बात करें, पूछ लें, लेकिन घबराएं नहीं, सावधानी बरतें। सावधानी बरतिएगा आपको ये बीमारी नहीं होगी। टीका अगर आप उस एज ग्रुप में आ गए हैं, अब तो 18 से ही शुरू हो गया है, तो आप टीकाकरण में ज़रूर जा कर के सम्मिलित होकर ले लें टीका, और बाकी सावधानी, दूरी, मास्क, साबुन से हाथ धोना, ये सब करते रहें, कोरोना से बच के रहेंगे। सर, कॉलिंग का टाइम क्या होगा सर, जो अगर कोई सलाह लेना चाहे? 11 बजे से सुबह से लेकर 3 बजे तक। और सर कुछ क्या बोल रहे थे? डॉक्टर को नहीं छोड़ रहा ये बीमारी, तो आम जनता के लिए तो जिनको जानकारी नहीं है वो, लेकिन बाज़ार में सुनते हैं भीड़, अभी आपसे सुने कि स्टेशन पर टिकट के लिए बहुत सा मारामारी हो रहा, तो कम से कम जनता इस परेशानी को समझे। ये देश का मतलब किसी सरकार की ये दोषारोपण देने से नहीं चलेगा, ये खुद जनता को समझना पड़ेगा कि ये मेरे लिए ही किया जा रहा है। सरकार पुलिस आपको रास्ते में बता रही है तो केवल आपके लिए बता रही है, उनका कोई अलग से स्वार्थ नहीं है, और इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये मेरे ही लिए किया जा रहा है, इसलिए हमको भी इसको पालन करना है।